गरियाबंद जिले में कोपरा से रोहिणा माइनर नहर नाली पूरी तरह से जर्जर हो गई है, जिसके कारण लगभग 40 से 50 किसान परेशान हो गए हैं और सिंचाई विभाग के अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। विभाग की लापरवाही के चलते बीते कई सालों से नहर नाली का ना तो पानी साफ करवाया गया और ना ही उसकी मरम्मत की गई, जिसकी वजह से नहर से आने वाला पानी सीधे किसानों के खेतों में घुस जाता है, जिससे किसानों की फसलें खराब हो रही है। वहीं अब किसानों ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दे दी है। हाँ, तो अभी तक कोई सफाई नहीं किया, ना कर्मचारी कोई ध्यान नहीं देता है, बस नहर का पानी टैक्स वसूल कर घर घर वसूल कर चला जाता है, उसके बाद कोई मुंह कर पीछे देखता नहीं है, पीछे लौट कर कोई नहर को देखता नहीं है। कौन के कोपरा से रोहिणा माइनर है, बहुत सी तकलीफ है, पानी पिलाने में तकलीफ होता है, फसल नुकसान होता है, जैसे बरसात ज्यादा आ जाता है तो पैदल चलने में खाद वाद किसान को ले जाने में बहुत नुकसान होता है। ये तो नहर ऐसा है कि मैदान में तब भी तो गए, अभी तक कोई साफ सफाई अभी तक नहीं हुआ है। ये नाली में बहुत देर से है, यहाँ तक के काम नहीं है, रोड से तो रोहिणा टेका तक के काम यहाँ अभी तक नहीं हुए हैं। जब तकलीफ होते तो घरों घर से पद्दा चुमड़ी चंदा करके नाली मांगे ना, अभी भी नाले बंधा है, चुमड़ी चंदा करके किसान मांगते हैं, बाकी अभी तक के ना कोई ध्यान नहीं दिया है। आप हमारे हिसाब से तो अभी 5-10 साल हो गए में सफाई नहीं हुआ है, अब आगे अगर नहीं कर पाई अभी तो सीधा किसान 40-50 किसान हम धरना प्रदर्शन करूँ। इस पर हम बात करेंगे शेख इमरान से, संवाददाता गरियाबंद। शेख, जिस तरह की खबरें आई है, किसानों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है क्योंकि उनकी बात को नजरअंदाज किया जा रहा है, उनकी परेशानी को, कितने लोगों के खेत हैं जद में? जी देखिए, बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल ही अगर कहा है कि सिंचाई विभाग जो है इन किसानों की परेशानी को नजरअंदाज कर रहे हैं, और क्योंकि इनकी जो नहर लाइनिंग है ये बड़ा नहर लाइनिंग है और विगत किसानों ने बताया कि 10 सालों से स्थिति यह है कि जर्जर हो चुका है और पूरी तरह से जो पानी है वो खेतों में घुसते जा रहा है और इसकी मरम्मत नहीं हो रहा है। तो बता दूं, इसमें लगभग 40 से 50 ऐसे किसान हैं जिनके खेत उस नहर नाली से लगा हुआ है और लगभग 10 सालों से इसकी मरम्मत जो है विभाग द्वारा नहीं किया गया है, जबकि विभाग को अच्छे से मालूम है कि इस नहर लाइनिंग से लगे किसानों का खेत है क्योंकि पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। और जैसे अभी खरीफ फसल अभी किसान लगाए हुए हैं तो जैसे ही सिंचाई विभाग द्वारा नहर में पानी छोड़ जाता है तो वो नहर से न जाकर सीधे किसानों के खेत में घुस जाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि पानी के साथ साथ मलबा भी खेतों में घुस जाता है और जो फसल लगी हुई है वो फसल सड़ जाता है या फिर उसे बर्बाद होता है, तो फिर इस साल भी वही समस्या खड़ी हुई है, जिसको लेकर किसानों ने बड़ा चेतावनी दिया है कि अगर यही हाल रहा और विभाग के अधिकारी अगर कुंभकर्णी नींद से नहीं जागे तो परेशान होकर उग्र आंदोलन भी करेंगे, साथ ही इसकी शिकायत कुछ अधिकारियों से भी करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल स्थिति यह है कि हमने अधिकारियों से भी संपर्क साधने की कोशिश की है लेकिन सब सवालों से बच रहे हैं और इस परेशानी को नजरअंदाज कर रहे हैं, और लेकिन किसान अब काफी आक्रोशित हो चुके हैं और आंदोलन की एक बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये कहना जरूरी है कि भास्कर न्यूज चैनल के माध्यम से अगर इस चैनल विधायक इस क्षेत्र का कोई देख रहे हैं तो किसानों की परेशानी को जाकर सुने, क्योंकि सरकार इसे चुनावी मुद्दा मानती है, किसानों की समस्याओं को लेकर बड़े बड़े वादा करते हैं लेकिन जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो भी किसानों की सुध लेने नहीं आ रहे हैं। और फिलहाल स्थिति यह है कि अब किसान परेशान हो चुके हैं और वो आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शेख इमरान, जिस तरह से बता रहे थे कि 40 से 50 किसानों के खेत हैं और 10 सालों से ये इसी तरह की व्यवस्था जो किसानों की परेशानी का कारण बनती जा रही है। दुबई में काम कर रहे युवक से शादी का सपना संजोए युवती को लॉकडाउन में शादी की तारीख का टल जाना इतना दुखदाई हो गया कि युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।